जीबा, मुझे उम्मीद है कि तुमने अपने नसीब और फराज से सोच कर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। ओ धर्मी, न मालूम तेरा कब यहाँ से मुंह काला होगा। प्यारी परमेश्वर के वास्ते मेरे हाल पे कुछ रहम कर। ओ जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कम कर। आखिर तू कब तक अपनी जिद निभाएगी? जब तक ये जान जिस्म से नहीं निकल जाएगी। जिस तरफ तेरा ख्याल है उसके तो फरिश्ते भी यहाँ कदम धर नहीं सकते। अगर यहाँ पर कदम नहीं धर सकते तो स्वर्ग का रास्ता कौन बंद कर सकता? मुझे तो तुम्हारे हाल पर रहम आता है। जरा अपने अंजाम को अच्छी तरह विचारो। बजाय मेरे हाल पर रहम करने के बेहतर है कि अपनी हालत को सुधारो। आखिर मुझे सख्ती से ही काम लेना पड़ेगा। नरमी से तेरा जुनून नहीं निकल सकता। तेरी तो ताकत ही क्या है? परमेश्वर भी मेरे इस ख्याल को नहीं बदल सकता। वाहू शेदा, तुम्हारे दिल से खुदी को अपने सता सता के
सुना यही दरिंदों में गाल दूंगा मैं तेरे टुकड़े बना बना के सीता तेरे पहलू में दिल नहीं बल्कि पत्थर का टुकड़ा है। हाँ हाँ वो पत्थर का टुकड़ा बेहतर है। तेरे जैसे हजार नापाक दिलों से जिनमें एक एक खून के कतरों की जगह मानो जहर भरा हुआ है। ये पत्थर का टुकड़ा मुबारक है। बस बस सो बदलगाम जरा अपनी जबान को थाम। मैंने अपनी जबान को बहुत संभाला है और आज तक कोई भी लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाला। जो कुछ तूने कहा वो मैंने ठंडे दिल से सहा। जो कुछ तूने किया मैंने शरबत की घूंट की तरह पिया। मगर कब तक और कहां तक आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। जब ये तेरी खरमस्तियां किसी तरह भी दूर हुई तो तंग आकर मैं ऐसी गुफ्तगू करने पर मजबूर हुई। सीता अब भी मान ले हटिए तेरी फजूल। अब तू मेरी कैद से कर न जाए। अरे सीता तू अब भी कहा मान अपनी हट से कर भी बाज आऊंगी। मैंने देखी है तुझसी बहुत सी चतुर तेरे रोने को खातिर मिलाऊं नहीं के पीछे सुमरती फिरे बल के पर
रामचंद्र जो सो बार जन्मे मरे तो भी सूरत में तेरी दिखाऊं नहीं। सूरत तू अपने दिखावे मत Come
खातिर रमाई है सिर में भस्म, छोड़ कर लोक लाजोर कुल की रसम। मुझे तेरी कसम, तेरे सर की कसम, तुझे रानी जो अपनी बनाऊं नहीं। चलने कल दूर हो जा मेरे आगे सहार, वरना दूंगी अभी तेरी काया पना। बाज आजा तू अब भी इस इसरार से, राम के पास तो मैं पहुंचाऊं नहीं। ताने वबाने सुनाता है क्या, मौत का भय मुझे तू दिखाता है क्या। तलवार चढ़ चढ़ के आता है क्या, मौत अपनी को नाहक बुलावे मते। सारी मालूम है उस जमाने में जिसकी बड़ी धूम है, रामचंद्र अभी कल का मासूम है, वैसे बच्चे को तो मैं पढ़ाऊं नहीं। स
सीता तू सौदाई मत बन, तू राजा होकर इस कदर अन्यायी न बन। मेरे इंसाफ की तो सारे जमाने में धूम है, यूं कहो जुलम व सितम का बाजार गर्म है। इंसाफ क्या खाक है। सीते मैं हैरान हूँ कि आज मेरा खंजर क्यों बेकार हो रहा है, जबकि मेरी शान में ऐसे गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल हो। एक मामूली औरत और इसकी ये हिमाकत, इधर मैं और इधर ये जब्त की ताकत। मेरा खंजर जिस तरफ झुका फिर उसकी जान लिए बगैर न रुका, मगर आज मेरा हाथ तलवार के दस्ते पर जाकर क्यों रुक रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिल खुद ब खुद कांपा जा रहा है। औरत तो औरत, अच्छे अच्छे दिलावर मर्दों को खाक में मिलाया, ओ बेगैरियत और पापी इंसान, तेरी थरथराती हुई जुबान साफ बता रही है कि तेरे अंदर से कि तेरे लिए सदाए मलानत आ रही है। नहीं मालूम कब तेरी नरम गुफ्तार होएगी, नहीं समझ जा मान जा वरना बहुत ही खार होएगी, नहीं मालूम कब तेरी खत्म तक रात होएगी, तो अब सुन ले या तब सुन ले मेरी नहीं मालूम।
हट है तो यहाँ भी, हट है प्रिया की। अरे ओ, हट है प्रिया की। Thank you.
बनाया है कि शर्म और हया तूने कोसू धूर भगाया है। और मौत की मतलाशी जरा अपनी जबान को संभाल और सन्यासी तू अपना आखिरी अरमान भी निकाल। न मालूम तेरे अंदर क्या बोल रहा है, मेरे अंदर वो बोल रहा है जिसके भाई से बार बार तलवार उठाने पर भी तेरा आत्मा डोल रहा है। मैं अब तेरा काम तमाम करता हूँ और तुझको हमेशा के लिए गुमनाम करता हूँ। शांति से काम लीजिए, ओ तलवार को ध्यान कीजिए और आजाद पर शस्त्र चलाना आप जैसे शौर्वीर के शान के खिलाफ है, बल्कि इसको माफ कर देना इंसाफ है। इरादा तो यही था जब तक इसकी ये हवा दिमाग से नहीं निकालता तब को तलवार नियाम में नहीं डालता, मगर तुम्हारे कहने से अपने इरादे को बदलता हूँ और इसे 2 महीने की मोहलत देता हूँ। या तो इस अरसे में ये मेरा कहना माने, वार में 2 माह के बाद यही तलवार इसकी जान लेगी। जो कुछ तूने 2 महीने के बाद करना है वो आज ही कर ले, क्योंकि मेरा 2 महीने के बाद भी यही जवाब होगा। मगर तेरे लिए इतने अरसे का इंतजार 22 अजाब होगा। अलावा आजी ये जीवन
मेरी नापायदगार जिंदगानी है, जिसके लिए इतना लंबा दावा करना सख्त नादानी है। मुमकिन है कि मौत तुझको आज ही आ दबाए और तेरा ये अरमान दिल ही दिल में रह जाए। त्रिजेटा, मेरे समझाने से तो बात बढ़ती है और जूं जूं मैं समझाता हूं उसे ज्यादा जिद चढ़ती है। तुम मेरी अदम मौजूदगी में इसे समझाना कुछ लालच और कुछ खौफ दिखलाना, मगर खबरदार ज्यादा सख्ती से काम नहीं लेना। आप फिक्र न करें, मैं इसे किसी खास वक्त समझाऊंगा और सब तरह के राज दिखाऊंगा। अगर तुम ये काम बनाओगे तो अपना मुंह मांगा इनाम पाओगे।